हेलो एवरीवन, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी ने एसएससी सीजीएल 2022 का नोटिफिकेशन 17 सितंबर 2022 को जारी किया और सीजीएल 2022 के फॉर्म को फिल करने की जो लास्ट डेट थी वो थी 8 अक्टूबर 2022, जो अब बदलकर 13 अक्टूबर 2022 हो चुकी है रात को 11 बजे तक। तो अगर आपने अभी तक एसएससी सीजीएल 2022 का फॉर्म फिल नहीं किया है तो आप ssc.nic.in पर जाकर अपना सीजीएल 2022 का फॉर्म फिल कर दीजिए। जब हमने एसएससी सीजीएल टीयर 1 2022 के सिलेबस का डिस्कशन किया था तो हमने आपको बताया था कि जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है उसके टोटल 13 चैप्टर्स हैं, जिनसे एसएससी सीजीएल टीयर 1 2022 में 25 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। उन्हीं 13 चैप्टर्स के आधार पर ये हम लेक्चर सीरीज कर रहे हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, जिसमें अब तक हम 3 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने बोर्ड मार्क्स के क्वेश्चनों का डिस्कशन किया, लेक्चर सेकंड में टाइम एंड वर्क यानी कार्य एवं समय, और लेक्चर थर्ड में एवरेज यानी औसत के क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। इन तीनों चैप्टर से एक एक क्वेश्चन पूछा जाने वाला है हर शिफ्ट में एसएससी सीजीएल टीयर 1 2022 में। अगर आपने ये तीनों वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो ये तीनों वीडियोस आपको एसएससी सीजीएल 2022 और 23 के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहां से इन तीनों वीडियो को देख सकते हैं। अब लेक्चर नंबर फोर्थ में हम रेशियो के क्वेश्चनों का डिस्कशन करने वाले हैं, जिससे एसएससी सीजीएल टीयर 1 2022 की हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। रेशियो से जनरली 7 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। जो टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड है वो बेसिक पार्ट है, टाइप थर्ड है प्रोपोर्शनल यानी समानुपात, टाइप फोर्थ शेयरिंग एंड पार्टनरशिप हिस्सेदारी और साझेदारी, टाइप फिफ्थ है एज यानी उम्र, टाइप सिक्स है इनकम एंड सेविंग आय एवं बचत, और टाइप सेवन है मिक्सचर यानी मिश्रण और मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो लेक्चर फोर्थ में हम इन 7 टाइप के क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे जो रेशियो का पार्ट है। तो सबसे पहले मैं फिर से आपको मैथमेटिक्स यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के वो 13 चैप्टर्स बताता हूं, उनका वेटेज बताता हूं, और फिर हम रेशियो के टाइप वाइज क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मेरा नाम है संदीप कुमार बुंदेलकर। तो चलिए दोस्तों लेक्चर नंबर फोर्थ स्टार्ट करते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या जिसको मैथमेटिक्स या फिर गणित भी बोल सकते हैं, उसका पहला चैप्टर है बोर्ड मास, दूसरा चैप्टर है एलसीएम एचसीएफ एंड डिविजिबिलिटी, लासपा मासपा और विवासता, तीसरा चैप्टर है एवरेज यानी औसत, चौथा चैप्टर है टाइम एंड वर्क कार्य एवं समय, पांचवा चैप्टर है टाइम एंड डिस्टेंस दूरी एवं समय, छठा चैप्टर है रेशियो यानी अनुपात, सातवां चैप्टर है परसेंटेज यानी प्रतिशत, फिर आठवां चैप्टर है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट लाभ हानि और छूट, नौवां चैप्टर है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, दसवां चैप्टर है डीआई यानी डेटा इंटरप्रिटेशन, ग्यारहवां चैप्टर है एलजेब्रा यानी बीजगणित, बारहवां चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति, और तेरहवां चैप्टर है ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन ज्यामिति और क्षेत्रमिति। तो बोर्ड मार्क्स से एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ से, एक क्वेश्चन डिविजिबिलिटी से यानी दूसरे चैप्टर से दो क्वेश्चन, एवरेज से एक क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन, टाइम एंड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन रेशियो से, एक क्वेश्चन परसेंटेज से, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट से दो क्वेश्चन, एसआईसीआई से एक क्वेश्चन, डीआई से चार क्वेश्चन, एलजेब्रा से दो क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री से तीन क्वेश्चन और ज्योमेट्री मेंसुरेशन से पांच क्वेश्चन। तो ये हो जाते हैं टोटल 25 क्वेश्चन जो एसएससी सीजीएल टीयर 1 2022 में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के पूछे जाने वाले हैं। रेशियो यानी अनुपात के अब मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स बताता हूं। पहला कॉन्सेप्ट है कि हमें टू वेरिएबल्स का रेशियो फाइंड करना है। यहां दिया है 3/7p = 4/11q, तो हमें पी रेशियो क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि क्यू का क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो ये पी अपॉन क्यू हो गया (4/11)×3/7 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 7/3 हो जाएगा। यहां से पी अपॉन क्यू की वैल्यू किसके इक्वल आ गई 28/33 के, तो पी रेशियो क्यू की वैल्यू हो गई 28/33। तो पहली मेथड तो ये है टू वेरिएबल्स के लिए। अब टू वेरिएबल्स की जो सेकेंड मेथड है उसमें हम क्या करेंगे कि इसको लिखेंगे पी अपॉन 7/3 = q/11/4। तो जो p के नीचे वैल्यू होगी वो p की वैल्यू होगी, ऐसी जो q के नीचे जो वैल्यू होगी वो q की वैल्यू होगी, और हमें क्या बताना है p रेशियो q, तो हो जाएगा 7/3 = 11/4 यानी 7×4 = 11×3, तो हो गया 28/33। सेकंड जो कॉन्सेप्ट है वो थ्री वेरिएबल्स के लिए है। ये लिखा है 3a = 2b = 4c। हमें यहाँ a रेशियो b रेशियो c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि 3, 2 और 4 का एलसीएम लिया,
जो होगा 12 यानी 12, तो 12 से हमने डिवाइड कर दिया तीनों को, तो ये हो जाएगा ए बाई फोर इक्वल्स टू बी बाई सिक्स इक्वल्स टू सी बाई थ्री। तो जो वैल्यू ए के नीचे लिखी है वो ए की वैल्यू है, जो वैल्यू बी के नीचे लिखी है वो बी की वैल्यू है, और जो वैल्यू सी के नीचे लिखी है वो सी की वैल्यू है। तो यहां से ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू क्या जाएगी, 4:6:3। तीसरा जो कॉन्सेप्ट है उसमें हमें वैल्यू दी होगी रेशियो के फॉर्म में, जैसे यहां दिया है ए रेशियो बी की वैल्यू दी है 2:3, बी रेशियो सी की वैल्यू दी है 1:2, और सी रेशियो डी की वैल्यू दी है 3:4। हमें बताना है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी की वैल्यू। तो सबसे पहले हमने ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू फाइंड की, ए रेशियो बी की वैल्यू इनपुट की 2:3 और बी रेशियो सी की वैल्यू पुट की 1:2। अब दोनों में बी कॉमन है तो हमें बी को बैलेंस करना होगा। बी को बैलेंस करने के लिए हमने पहले वाले रेशियो में 1 से और दूसरे वाले रेशियो में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि जो 3 है वो दोनों में कॉमन हो जाए, यानी बी की वैल्यू सेम हो जाए। यहां से 2:3:6 आ जाएगी ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू, और फिर ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी लिखा, ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू पुट कर दी 2:3:6 और सी रेशियो डी की वैल्यू पुट कर दी 3:4। अब दोनों में सी कॉमन है यानी हमें सी को बैलेंस करना होगा, तो हमने पहले वाले रेशियो में 1 से और दूसरे वाले रेशियो में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि जो सी है वो 6:6 हो जाए। यहां से 2:3:6:8 हो जाएगी ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी की वैल्यू। कॉन्सेप्ट नंबर 4, अगर हमें ए रेशियो डी की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें दिया है ए रेशियो बी की वैल्यू बी रेशियो सी की वैल्यू और सी रेशियो डी की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों वैल्यू का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा, सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए रेशियो डी बचेगा। तो जब भी हमें ए रेशियो डी की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो हम इन तीनों रेशियो का मल्टीप्लाई कर दिया करेंगे। रेशियो का जो टाइप फर्स्ट है वो बेसिक पार्ट है जिसमें हमें रेशियो फाइंड करना है। तो क्वेश्चन है कि दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक में से 13 घटाया जाए तो नई संख्या 10:21 के अनुपात में प्राप्त होती है। यदि मूल संख्याओं में 15 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं के बीच का अनुपात क्या हो जाएगा, हमें यह बताना है। ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीजीएल टियर 2 की 13 सितंबर 2019 की शिफ्ट में। इंग्लिश में क्वेश्चन है कि टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:5, इफ 13 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच द न्यू नंबर्स आर इन द रेशियो 10:21, इफ 15 इज एडेड टू ईच ऑफ द ओरिजिनल नंबर्स देन द रेशियो बिकम्स। टू नंबर्स का हमें रेशियो दिया है 3:5, तो हमने मान लिया कि नंबर्स क्या है 3r और 5r। जब दोनों से 13 माइनस किया जाता है तो जो नया रेशियो बनता है वो बनता है 10:21, तो हमने इसको मान लिया 10r1 और 21r1। यानी जब 3r माइनस 13 किया और 5r माइनस 13 किया तो आया 10r1 डिवाइड बाय 21r1, r1 से r1 कैंसिल आउट हो गया, यानी 3r माइनस 13 डिवाइड बाय 5r माइनस 13 इक्वल्स टू 10/21। तो आपको ये स्टेप एग्जाम में डायरेक्ट लिखना है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया ये हो जाएगा 63r माइनस 13 इंटू 21 इक्वल्स टू 50r माइनस 13 इंटू 10। 63 माइनस 50 किया तो ये 13r हो गया इक्वल्स टू 13 इंटू 21 माइनस 13 इंटू 10। तो 13r इक्वल्स टू, यहाँ 13 कॉमन आ जाएगा तो क्या आएगा 21 माइनस 10, 13 से 13 कैंसिल आउट हो गया, तो जो 1r होगा वो किसके इक्वल होगा 21 माइनस 10 यानी 11 के। तो जो नंबर्स थे वो क्या थे 3r और 5r, तो ये क्या हो जाएंगे 33 और 55। तो हमें नंबर्स पता चल गए, जो फर्स्ट और सेकेंड नंबर्स हैं वो क्या है 33 और 55। अब उसने कहा कि अगर हम 15 ऐड कर दें इनमें तो ये हो जाएगा 48 और ये हो जाएगा 70। तो हमें इसका रेशियो बताना था जो कितना होगा 24:35, यानी आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब जो रेशियो का टाइप सेकेंड है वो बेसिक पार्ट है जिसमें हमें रेशियो दिया होगा और कुछ वैल्यू फाइंड करने को बोलेगा। जैसे क्वेश्चन है कि एक पर्स में
₹1.50 और 10 पैसे के सिक्के के रूप में 6:9:10 के अनुपात में 34.5 रुपए है। 10 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है हमें। तो ये क्वेश्चन आया था एसएससी सीजीएल टीयर 2 की 9 मार्च 2018 की शिफ्ट में। इंग्लिश में क्वेश्चन है कि ए पर्स हैज 34.5 रुपीज इन द फॉर्म ऑफ 1 रुपी 50 पैसे एंड 10 पैसे कॉइन्स इन द रेशियो ऑफ 6:9:10। फाइंड द नंबर ऑफ 10 पैसे कॉइन्स। हमें नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो दिया है 1 रुपए 50 पैसे और 10 पैसे का, ये दिया है 6:9:10। तो वैल्यू क्या हो जाएगी इनकी, अगर मान लीजिए कि 6 कॉइन है 1 रुपए के तो हो गया 6 रुपए, ऐसे अगर 9 कॉइन है 50 पैसे के तो हो जाएगा 4.5 रुपए, और अगर 10 कॉइन है 10 पैसे के तो हो गया 1 रुपए। इन तीनों को ऐड किया 6, 4, 10 और 11 यानी 11.5, ये किसके इक्वल दिया है, ये इक्वल दिया है 34.5 के। तो हमने क्या किया होगा, हमने 3 से मल्टीप्लाई किया होगा और हमें क्या बताना है, हमें 10 पैसे के कॉइन्स बताने हैं जो किस रेशियो में है, 10 रेशियो में। तो जब 10 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 पैसे के कॉइन्स कितने आ जाएंगे, 30 यानी ऑप्शन बी। अब रेशियो का जो टाइप थर्ड है वो है प्रोपोर्शनल यानी समानुपात। तो इसमें आपको थर्ड प्रोपोर्शनल यानी तृतीयानुपात, फोर्थ प्रोपोर्शनल यानी चतुर्थानुपात और मीन प्रोपोर्शनल यानी मध्यानुपात पता होना चाहिए। जब ए बी सी डी प्रोपोर्शनल यानी समानुपात में हो तो ए रेशियो बी इक्वल्स टू होता है सी रेशियो डी, यानी ए बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी होता है। तो प्रोपोर्शनल यानी समानुपात में हम इस कंसेप्ट का यूज करने वाले हैं। तो पहला है थर्ड प्रोपोर्शनल यानी तृतीयानुपात। अगर हमें टू नंबर्स दिए हैं ए और बी और हमें इसका थर्ड प्रोपोर्शनल बताना हो तो हमने उसको एक्स मान लिया, तो ए रेशियो बी इक्वल्स टू हो जाएगा बी रेशियो एक्स। यहां से ए बाई बी इक्वल होगा बी बाई एक्स के, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए। तो ये हो गया थर्ड प्रोपोर्शनल यानी तृतीयानुपात। और अगर हमें फोर्थ प्रोपोर्शनल यानी चतुर्थ अनुपात बताना होगा तो हमें ए बी और सी तीन नंबर्स दिए होंगे तो हमने फोर्थ प्रोपोर्शनल को मान लिया एक्स। तो अगर ये प्रोपोर्शनल में है तो ये हो जाएगा ए रेशियो बी इक्वल टू सी रेशियो एक्स, यानी ए बाई बी इक्वल टू सी बाई एक्स। यहां से एक्स की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, बी सी बाई ए के। ती हो जाएगा फोर्थ प्रोपोर्शनल। अब है मीन प्रोपोर्शनल यानी मध्यानुपात, जिसको ज्योमेट्रिक मीन यानी गुरुत्वनुपात भी बोलते हैं। तो हमें दो नंबर्स दिए होंगे ए और बी और हमने मान लिया कि जो मीन प्रोपोर्शनल है वो क्या है, एक्स है। मीन है मतलब बीच में है, मध्य में, हिंदी में तो साफ साफ बोलते हैं मध्यानुपात। तो हम इसको क्या लिखेंगे प्रोपोर्शनल में, ए रेशियो एक्स इक्वल्स टू एक्स रेशियो बी। तो ये जाएगा ए वाई एक्स इक्वल्स टू एक्स वाई बी, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी हो गया, यानी एक्स की वैल्यू किसके इक्वल होगी, अंडर रूट ए बी के। तो यहाँ एक्स क्या है, मीन प्रोपोर्शनल है यानी मध्य अनुपात। प्रोपोर्शनल के क्वेश्चंस के लिए हमें कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल पता होना चाहिए कि अगर ए बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी है तो ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी होता है। अब मैं आपको प्रोपोर्शनल के क्वेश्चंस कराता हूं। तो रेशियो का जो टाइप थर्ड है वो है प्रोपोर्शनल यानी समानुपात, जिसका क्वेश्चन है कि 0.4 और 0.8 के तृतीयानुपाती और 13.5 और 0.24 के मध्यानुपाती के बीच का अनुपात क्या है। ये क्वेश्चन आया था एसएससी सीजीएल टीयर 2 की 12 सितंबर 2019 की शिफ्ट में। इंग्लिश में क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 0.4 एंड 0.8 टू द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 13.5 एंड 0.24। तो हमें थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना है इन दोनों नंबर्स का और फिर मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करना है इन दोनों नंबर्स का, फिर थर्ड प्रोपोर्शनल और मीन प्रोपोर्शनल का हमें रेशियो फाइंड करना है। तो 0.4 और 0.8 का जो थर्ड प्रोपोर्शनल है वो हम एक्स मान लेते हैं। तो 0.4 डिवाइड बाय 0.8 इक्वल हो जाएगा 0.8 डिवाइड बाय एक्स के। पॉइंट से पॉइंट यहाँ कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया वैल्यू 1/2। यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी 0.8 × 2 यानी 1.6। तो थर्ड प्रोपोर्शनल हमें पता चल गया वो है 1.6। तुम्हारे पास थर्ड प्रोपोर्शनल यानी एक्स की वैल्यू आ चुकी है 1.6। हमें मीन प्रोपोर्शनल और पता करना है, तो 13.5 और 0.24 का हमने मीन प्रोपोर्शनल मान लिया वो है वाई, यानी हमें एक्स रेशियो वाई की वैल्यू बतानी है। तो
वाई मीन प्रोपोर्शनल है, तो ये किसके इक्वल होगा, अंडर रूट 13.5 इंटू 0.24 के। इसको और सिंप्लीफाई किया तो हमने इसको लिख लिया 135 इंटू 24 इंटू ये हो जाएगा 1/1000। अब 135 के फैक्टर किए हमने तो ये 3 से डिविजिबल है, 3 × 12 = 15, 3 × 3 = 15, ये 3 × 5 = 15, 5 × 1 = 5। ऐसे ही 24 के फैक्टर किए तो 12, 6, 2 और ये 3, ये फैक्टर हो जाएंगे 3 × 3 × 3 × 5 और 2 × 2 × 2 × 3 × 1/1000। तो देखिए यहां से 1/3 बाहर आएगा और 1/3 यहां से बाहर आ जाएगा, तो 3 × 3। अब 1/2 बाहर आएगा और 5 और 2 मिलके हो जाएगा 10 और 1/10 से 1/10 कैंसिल आउट हो गया और 100 से 1/10 बाहर आ जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 3 × 9 × 18, 18/10 यानी 1.8। तो y की वैल्यू हो गई 1.8 और x की वैल्यू है 1.6। हमारे पास x और y दोनों की वैल्यू आ चुकी है, x की वैल्यू है 1.6 और y की वैल्यू है 1.8। बस इन दोनों को डिवाइड करना है और आंसर फाइंड करना है हमें। तो 1.6 डिवाइड कर दिया हमने 1.8 से तो ये हो जाएगा 16/18 और सिंप्लीफाई किया तो हो गया 8/9, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 8/9 ऑप्शन डी। क्वेश्चन है कि जब x को 2, 3, 30 और 35 प्रतीक में जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्या एक अनुपात में होती है, बताएं x+7 और x-2 का मध्य अनुपाति क्या है। ये क्वेश्चन पूछा गया SSC CGL Tier 2 की 11 सितंबर 2019 की शिफ्ट में। इंग्लिश में क्वेश्चन है कि when x is added to each of 2, 3, 30 and 35 then the numbers obtained in this order are in proportional. What is the mean proportional between x+7 and x-2? जब 2, 3, 30 और 35 में x को ऐड किया जाता है तो वह प्रोपोर्शनल यानी समानुपात में होता है, तो 2+x/3+x = 30+x/35+x हो जाएगा। अब हमें कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल लगाना होगा, यानी जब ab = cd हो तो a+b / a-b = cd/c-d होता है, तो यहां हो जाएगा 2+x + 3+x / 2+x - 3-x = 30+x + 35+x / 30+x - 35-x। अब जो डिनोमिनेटर है वहां x का टर्म एलिमिनेट हो जाएगा, तो ये x + x हो गया 2x, 2+3 हो गया 5, / 2-3 हो गया -1 = यहां भी x + x हो जाएगा 2x प्लस 30+35 हो जाएगा 65 और 30 - 35 हो जाएगा -5। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 10x + 25 = 2x + 65 हो गया। अब 10x - 2x किया तो ये 8x हो गया और जब 65 में 25 को माइनस किया जाएगा तो ये वैल्यू 40 आएगी, तो x की वैल्यू आ गई 5। अब जो ये x की वैल्यू आई है इसको हम पुट कर देंगे यहाँ और मीन प्रोपोर्शनल बता देंगे, तो हमें x की वैल्यू चाहिए थी जो हमारी आ चुकी है, तो x की वैल्यू आ चुकी है हमारी 5, तो x+7 की वैल्यू हो जाएगी 12 और x-2 की वैल्यू हो जाएगी 3 और मीन प्रोपोर्शनल इसका क्या हो जाएगा, अंडर रूट इन दोनों की वैल्यू, यानी 12 + 36 अंडर रूट 36 जो किसके इक्वल होगा 6 के, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। तो इसी टाइप में एक और क्वेश्चन बनता है जिसमें हम x को ऐड करने की जगह x को सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी x को जोड़ने की जगह x को घटाते हैं, तो वह अनुपात यानी प्रोपोर्शनल में होता है। तो अगर इसी क्वेश्चन में x ऐड करने की जगह x को सब्ट्रैक्ट किया जाता और वह प्रोपोर्शनल यानी समानुपात में होता तो फिर हम क्या करते, 2 - x / 3 - x = 30 - x / 35 - x कर देते, फिर इसके बाद कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल लगाकर हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते, फिर अगर हमें मीन प्रोपोर्शनल बताना होता तो हम x की वैल्यू यहां पुट कर देते, अंडर रूट लेते, दोनों का मल्टीप्लाई करते और वैल्यू फाइंड कर लेते। तो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं सॉल्यूशंस के साथ, आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है तो वह अपना डाउट आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपका वो डाउट जरूर क्लियर करेंगे।